दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आ रही है। आपको बता दें देश भर की आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई रोजाना हम खबरें देते हैं। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, कहां से निकल कर आ रही है आपको बता दें। पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई है, आपको बता दें आंगनबाड़ी बहनें जो हैं बिहार में थर्मल स्क्रीनिंग का काम संभालेंगी। अब थर्मल स्क्रीनिंग क्या है आपको बता दें, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, कोरोना पीरियड में भी चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं और इसी कारण से वहाँ पर जो लोग वोटिंग करने आएंगे यानी वोट देने आएंगे उनकी जांच में आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगाया गया है। आपको बता दें भागलपुर से ये खबर है, बिहार के भागलपुर में सेविकाएँ जो है थर्मल स्क्रीनिंग का काम संभालेंगी। आपको बता दें जानकारी मिल रही है जो उसके अनुसार आपको बता देते हैं, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 को देखते हुए मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं ग्लव्स वितरण का काम किया जाएगा। आपको बता दें इस कार्य की जिम्मेदारी जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं को सौंप दी गई है और यही आंगनबाड़ी कर्मी जो हैं बहनें जो हैं लगातार बहुत ही अच्छा काम कर रही है बिहार में। आपको बता दें बहुत ही अहम जिम्मेदारी इनको इस मौके पर भी दी गई है। सरकार एक तरफ कहती है कि आंगनबाड़ी कर्मी जो हैं बहुत अधिक काम नहीं करते, बहुत कम काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारों को ये भी चाहिए कि आंगनबाड़ी बहनों को देखे, जमीनी स्तर पर वो काम कर रहे हैं, प्रत्येक शासन की योजना हो या फिर कोई भी नीति उनका क्रियान्वयन करने में आंगनबाड़ी बहनें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अब बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो जो प्रक्रिया देखी इस तरीके से, आपको बता दें यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही स्क्रीनिंग का काम जो है आंगनबाड़ी बहनों को जिम्मेदारी सौंप दी गई। स्क्रीनिंग क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर नापने वाली एक मशीन होती है वही उसी को स्क्रीनिंग बोला जाता है। जैसे टेम्परेचर किस जो वोटर है किसका टेम्परेचर कम है किसका ज़्यादा है, अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा आता है वोटिंग के दौरान तो उसको ये कह दिया जाएगा, बैठा लिया जाएगा कि भाई बाद में वोटिंग कर लेना। वोटिंग वो भी कर सकता है, ऐसा नहीं वोटिंग नहीं करेगा, वोटिंग कर सकता है, लेकिन उसको सबसे लास्ट में वोटिंग करने का अधिकार होगा। जो पहले स्वस्थ लोग होंगे उन वो वोटिंग कर सकेंगे। सबकी बाकायदा जाँच होगी और जांच की जिम्मेदारी जो है आंगनबाड़ी बहनों को दी गई है। बिहार से खबर हम आपको बता रहे थे। अगली जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से खबर आ रही है। आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है पुष्टाहार बंद हो चुका है और इस कारण से प्रतापगढ़ में आपको बता दें यह प्रक्रिया शुरू हो गई है राशन वितरण की। और जो राशन होगा, राशन सामग्री जिसमें गेहूँ और चावल दिए जाते हैं और जो ये सामग्री होगी अब कोटेदारों से लाभार्थी सीधे ले जा सकेंगे। प्रतापगढ़ में यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। आपको बता दें अन्य जो ज़िले हैं वहाँ पर भी ये प्रक्रिया शुरू होगी और सभी ज़िलों में जब प्रक्रिया लागू हो जाएगी तब सभी जनपदों के जो लाभार्थी हैं उनको ये मिलने लगेगा। आपको बता दें सभी जनपदों में यानी उत्तर प्रदेश में 75 जनपद, इन सभी जनपदों में ये प्रक्रिया का लाभ जो है लाभार्थियों को मिलेगा। आपको बता दें आंगनबाड़ी के नौनिहालों को कोटेदार खाद्यान्न प्रदान करेंगे। आपको बता दें अभी जो है आंगनबाड़ी बहनें जो है पुष्टाहार प्रदान करती थी, लेकिन अब पुष्टाहार नहीं मिलेगा, खाद्यान्न मिलेगा। और जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर नौनिहालों के पुष्टाहार वितरण में अनियमितता को रोकने के लिए फिलहाल इस पर रोक लगी हुई है। इन बच्चों के अभिभावक यानी माता पिता कोटेदार से सीधे खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे और इसके लिए कोटेदारों को खाद्यान्न की खेप जो है आवंटित कर दी गई। तो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ से एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है, यहाँ पर जो खेप है यानी कि जो बच्चों का हिस्सा है वो आवंटन कर दिया गया है, जो लाभार्थियों का हिस्सा है वो आवंटन कर दिया गया है। खाद्यान्न वितरण कराने की जिम्मेदारी जो है आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका सहायिका को सौंपी गई है। आपको बता दें खाद्यान्न वितरण की रिपोर्ट जो है लेखपाल व सेक्रेटरी तैयार करेंगे, ये भी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। वहीं यहाँ इस मामले को लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है पवन यादव का बयान आ रहा है कि फिलहाल अभी खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था अस्थायी रूप से है और जल्द ही जब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो स्थायी रूप से ये प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ से अच्छी खबर निकल कर आ रही है, सभी जनपदों में ऐसी ही प्रक्रिया होनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज नहीं हो रही तो कल आपके जनपदों में ये प्रक्रिया हो जाएगी। बहुत सारी बहनें सोच रही हैं प्रतापगढ़ में हो गया लेकिन उनके जनपद में नहीं हुआ, आपके भी जनपद में होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से किसी भी जनपद से और किसी भी जनपद से खबर देख रहे हैं तो सभी जनपदों में ये प्रक्रिया जो है लागू की जाएगी, कहीं ना कहीं आपको बता दें। अगली जो खबर निकल कर आ रही बहुत दुखद खबर है, आपको बता दें आंगनबाड़ी बहनें लगातार रिटायरमेंट किया जा रहा है, उनका लगातार उनको सेवानिवृत्त किया जा रहा है और इसी क्रम में बाराबंकी जनपद से एक दुखद खबर निकल कर आ रही है कि 300 यहां पर आंगनबाड़ी बहनों को रिटायर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शासन आदेश को हम फॉलो कर रहे हैं, अधिकारी अपनी जो है बला बचाते हुए कह रहे हैं कि हम शासन आदेश को फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास जैसे इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमने जाँच की, जो भी आंगनबाड़ी बहनें जो 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी उनको हमने रिटायर कर दिया है। और बताया जा रहा है बाराबंकी में 300 आंगनबाड़ी कर्मी जो है 62 वर्ष से
अधिक आयु की पाई गई उनको रिटायर कर दिया गया। अब सवाल ये आता है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र जैसे रिटायर कर दिया गया जिन आंगनबाड़ी कर्मियों को, तो वो केंद्र खाली हो गए होंगे, उनकी जिम्मेदारी किससे सौंपी गई है? तो आपको बता दें, पास के ही स्कूल या फिर आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका को ही अब जिम्मेदारी, जो रिटायरमेंट हुआ है जहाँ जिस केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है सहायिका को, उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। यानी कि एक आंगनबाड़ी कर्मी अब दो दो तीन तीन केंद्र को संभालेगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी जानकारी, सरकार इस मामले पर भी जल्दी भर्तियाँ भी करेगी, हालांकि कोई डेट डिसाइड नहीं है। आपको बता दें, जब एक दो साल पहले तकरीबन वैकेंसियाँ निकली थी 30,000 से ऊपर उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसी कारणवश वैकेंसियाँ ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब सरकार कहीं ना कहीं जब रिटायरमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो एक भारी वैकेंसी जो है 50,000 से हो सकता ऊपर ही वैकेंसी हमें देखने को मिले। खैर, जब समय पर निकलेगी तो वो भी अपडेट हम जब से पहले आपको देंगे। साथ ही आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप jmhnews.in पर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर विजिट करिए, वहाँ पर खबरें पढ़िए। हमारी खबरें अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें। पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलिए। प्रत्येक राज्य की खबर हम यहाँ पर देते हैं, किसी भी आंगनबाड़ी बहन की खबर हो यहाँ पर हम देते हैं, उनकी समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। आपको बता दें, अगली जो खबर निकल कर आ रही है इसको समझिएगा, एक लेटर मुझे दिखाई दे रहा है। एक खबर जो है आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, सीतापुर जनपद में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए विशेष अभियान जो है मिशन शक्ति का क्रियान्वयन किया जाएगा। अब आपको बता दें, इस अभियान के तहत क्या होगा, इस अभियान के तहत जो है आपको बता दें, कार्यक्रम जो है विभिन्न दिन आयोजित किए जाएंगे। 17 अक्टूबर यानी कि आज का दिन रैली निकाली गई और समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों से गाँव में पैदल रैली निकाली गई। आपको बता दें, पॉक्सो एक्ट होता है, जो पॉक्सो एक्ट के तहत जानकारियां दी जाएंगी बच्चों को, जो किशोरियां उनको जानकारी दी जाएंगी। इसी के साथ ही आपको बता दें, अन्य तरीके की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे। और इस माह ये लगातार ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इसका मतलब यही हुआ आपको बता दें। और मिशन शक्ति के तहत ये सभी कार्यक्रम जो हैं सीतापुर जनपद में आयोजित किए जाएंगे, ये जानकारी निकल कर आ रही है। अगली खबर आपको बता देते हैं, ऐतिहासिक खबर जो हम आपको बता रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में पंजीरी बंद हो रही है, बंद हो गई है। दरअसल टेंडर प्रक्रिया जो है देना ख़त्म कर दिया गया, यानी टेंडर पहले निकलते थे तो उन जो कंपनियों को टेंडर मिल जाते थे तो वो आंगनबाड़ियों में पुष्टाहार का वितरण कराती थी। अब कंपनियों के हाथ से निकल चुका है, स्वयं सहायता समूह को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी समय लगेगा। तो वर्तमान में राशन व्यवस्था शुरू कर दी गई, लेकिन एक बड़ी ऐतिहासिक बात यह है कि 30 साल बाद स्वयं सहायता समूह पुष्टाहार तैयार करेंगे। 30 साल बाद अब ऐतिहासिक क्यों है? क्या 30 साल पहले स्वयं सहायता समूह ये काम करते थे या फिर नहीं? ये बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि सरकार एक तरफ से कह रही है कि पहली बार ऐसा काम होगा। तो पहले जान लेते खबर क्या, उत्तर प्रदेश की ये खबर है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती धात्री महिलाओं के साथ ही बच्चों को बांटे जाने लगे पुष्टाहार में सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब 30 साल बाद पहली बार राज्य की आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा तैयार पुष्टाहार लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा और इसकी शुरुआत जो है 25 नवंबर से प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ होगी। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, पुष्टाहार जो है लाभार्थियों को बांटा जाएगा और एक साथ जो है 25 नवंबर इस डेट को याद रखिएगा, एक साथ पूरे प्रदेश भर में होगी, यानी 75 जनपदों में होगी। आपको बता दें, इस संबंध में अपर मुख्य सचिव बाल विकास पुष्टाहार एस राधा चौहान ने सभी मंडला आयुक्त जिला अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया, यानी कि एक सूचना जारी की है। और इसमें बताया गया है कि राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निजी क्षेत्र की विभिन्न संस्था कंपनी से आपूर्ति होने वाले पुष्टाहार की खरीद को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसकी जानकारी दी गई है। श्रीमती चौहान ने पत्र में कहा कि राज्य में 30 साल से ज़्यादा समय तक संचालित उत्पादन व आपूर्ति की पुष्टाहार व्यवस्था को पूर्णतया परिवर्तित कर इस कार्य को स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए तैयार करने का डिसीजन लिया गया है। तो एक बड़ी जानकारी ये भी निकल कर आ रही है। आपको बता दें, यह नई व्यवस्था न केवल स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा देगा, बल्कि गर्भवती धात्री और 11 से 14 साल की स्कूल ना जाने वाली किशोरियों बच्चों को गुणवत्ता पोषण युक्त जो है खाद्य पदार्थ देना भी सुनिश्चित कराएगा। आपको बता दें, पत्र में एक और अहम जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि राज्य में अब बाल विकास परियोजना में संचालित आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति स्वयं सहायता समूह के जरिए ही की जाएगी। तो 25 तारीख यानी 25 नवंबर से, इस 25 को नहीं, 25 नवंबर से पूरे प्रदेश में एक साथ ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। आपको बता दें,
इस तरह के पुष्टाहार वितरण की शुरुआत जो है 25 नवंबर जैसा हम बता चुके हैं और भारत सरकार के मानकों के अनुरूप की जाएगी। मानक जो है डिसाइड किए गए उसी मानक के अनुरूप लगातार मानक आपको बताते रहे कौन सी पॉलीथीन में कौन से राशन का वितरण किया जाएगा, सभी प्रक्रिया आपको हमने बताई है। आपको बता दें श्रीमती चौहान ने जिलाधिकारियों से ये भी कहा है कि वे इस योजना के क्रियान्वयन के पहले अपने स्तर से ग्राम निगरानी समिति, ब्लॉक निगरानी समिति तथा जिला निगरानी समिति का गठन सुनिश्चित कर ले ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये बड़ी जानकारी जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है और 25 नवंबर से प्रदेश में सभी जिलों में एक साथ यह कार्यक्रम जो है शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। आपको बता दें एक बड़ी खबर और भी निकल कर आ रही है आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई। आपको बता दें आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक बड़ी घोषणा हुई। आपको ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है आंगनबाड़ी बहनों के लिए घोषणा की गई है कि उन्हें 18,000 रुपये न्यूनतम दिए जाएंगे। अगर पहले समझिएगा कंडीशन, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव के दौरान वादे बहुत होते हैं। जमीनी स्तर पर क्या होता है उत्तर प्रदेश में देख लिया गया, पंजाब में देख लिया गया। हम यहाँ पर दो राज्य का इसलिए डिवाइडेशन कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ी बहनें संघर्षरत हैं, पंजाब में भी आंगनबाड़ी बहनें संघर्षरत हैं। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। दोनों ही सरकारें आंगनबाड़ियों की नहीं सुन रही है, लेकिन वादे बड़े बड़े किए थे कहीं ना कहीं, लेकिन वादे पर कितना अमली जामा पहनाया गया सभी हकीकत जो है आपके सामने है। पहले तो खबर बता देते हैं, आपको बता दें बिहार में चुनाव चल रहा है तो बिहार से ही जुड़ी हुई खबर है। माकपा ने एक घोषणा पत्र जारी किया गया है, माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसने एक घोषणा पत्र जारी किया है और कहा है कि हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, आंगनबाड़ियों को 18,000 रुपये वेतन देंगे और भी कई ऐलान किए गए हैं। आपको बता दें माकपा ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया कि बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 5,000 रुपये दिए जाएंगे, किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा, वृद्धावस्था सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रतिमाह जो है 3800 रुपये। कितने बड़े बड़े वादे किए गए हैं सुनिएगा। और इसी के साथ ही आंगनबाड़ी सेवका, आशा और रसोईया सहित सभी स्कीम वर्कर जो हैं इनको प्रतिमाह न्यूनतम जो है न्यूनतम की बात हो रही है 18,000 रुपये दिए जाएंगे। आपको बता दें डी बंदोपाध्याय जो है आयोग की भूमि सुधार की रिपोर्ट लागू की जाएगी और इसी के साथ सभी परिवारों के बच्चों को 12वीं तक जो शिक्षा है मुफ्त दी जाएगी और गुणवत्तापूर्ण दी जाएगी। आपको बता दें ये सब जो है घोषणा पत्र माकपा ने जो जारी किया है घोषणा पत्र उसमें किया है वादे, लेकिन देखने वाली बात होती है कि वाकई में ये वादे अमल में लाए जाते हैं या फिर नहीं। खैर पार्टियां तो वादे करती रहती, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी आंगनबाड़ी बहनों से वादा किया था और कहा था कि बहुत जल्दी जैसी सत्ता में आते हैं वैसे ही आंगनबाड़ी कर्मियों का 18,000 न्यूनतम वेतन कर दिया जाएगा। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या कहते हैं कमेंट में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिएगा, साथ ही लाइक और शेयर करिए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए। यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई खबरें ही हम उठाते रहते हैं, देश के किसी भी राज्य से आंगनबाड़ी बहनों की खबरें हम इस चैनल पर जरूर उठाएंगे। और आपकी खबरें हैं तो कमेंट व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपनी खबरें शेयर कर सकते हैं, साथ ही वीडियो वगैरह भी भेज सकते हैं, आपकी समस्याओं को भी हम चैनल पर दिखाने का काम करेंगे। नमस्कार।